सुनो, हम क्या कर रहे थे? लगाया दिल दुनिया में बहुत, पर लगा नहीं तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। जमाने भर की बातें उनसे कह दी, सब कुछ बोल दिया। जमाने भर की बातें उनसे कह दी, जमाने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहने। क्या बात, कीर्तन में गए, फालतू की सारी बातें कर ली, लेकिन जहां करनी चाहिए थी वहां नहीं करी। दुनिया में कर ली, ये दुनिया जो साथ देने वाली नहीं है, लेकिन जो बात तू पड़ोसी से कर रहा है बैठकर अपने धंधे की, कि धंधों कैसे चाले हो, पड़ोसी सुने ना सुने, वो शायद एक बार तो सुन के अनदेखा कर दे, लेकिन दो मिनट बैठ के तू एक बार इससे कह दे। जमाने भर की बातें उनसे कह दी, जमाने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहानी। लगाया दिल भगत पर दिल लगाने। और सुनो अभी भाई, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो जैसा लग रहा था वैसा पानी, वो जैसा लग रहा था वैसा पानी, तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई हमको मिला। न रोया था बिछड़ने पर मैं उनके, मगर हाँ जिंदगी में फिर हंसा नहीं। बोला आपने गाने के लिए, चलिए दो लाइनें सुनाता हूँ। रवि भी हमारे बहुत देर से यहाँ पे बैठे हैं, और भाव वाला बोलू सुना, सुना एक एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा था, मैंने सोचा था। अच्छा मुझे नहीं पता आप लोगों ने सोचा था नहीं सोचा था, लेकिन मुझे मेरा तो पता, हमने तो नहीं सोचा। हम कोई बहुत बड़े घर से तो आते नहीं है, बहुत छोटा सा परिवार है हमारा। पिताजी छोटे से सेल्समैन, ज्यादा बड़े नहीं, इतनी मिलनी की बस दाल रोटी चल जाए। एक ऐसे घर से आ रहे हम लोग आए हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या इससे मतलब नहीं, आपका बैकग्राउंड क्या इससे मतलब है। आजकल फैमिली तो साथ कहा रहती है, आपका क्या बैकग्राउंड है मतलब वो है। तो कभी सोचा नहीं था कि कभी हम भी हवा में रहेंगे, बस देखते थे। कभी सोचा नहीं था कि कभी ये भी होगा हमारे साथ। मुझे याद है आज भी दिल्ली में श्याम बाबा का कीर्तन होता था, जगह का नाम था फोर्थ पुस्ता, चौथा पुस्ता, जगह डिवाइडेड है। तो वहां पे संजय भैया, आदरणीय उमा लहरी जी, मुकेश भागड़ा जी, वो सब कीर्तन करते थे। हम पीछे कम पंडाल में खड़े होकर देखते थे, सिर्फ देखते थे। कभी सोचा भी नहीं था कि बाबा ऐसी कृपा करेगा कि संजय भैया इस लायक समझेंगे कि मुझे अपने परिवार में बुलाएंगे। कभी नहीं सोचा कि जो हमारे मेंटर हैं, जिन लोगों को हमने देखकर गाना सीखा,
जिन लोगों को हमने हृदय में बिठाकर बाबा की सेवा करनी शुरू करी, कभी हम उनके इतने करीब होंगे कि वो हमें अपना छोटा भाई बोलेंगे, और ये कभी नहीं सोचा था। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल आओ खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था, मैंने तेरी कृपा मुझ पे बस जाएगी, जिंदगी मेरी होगी सवर जाएगी, मैंने सोचा तेरी सेवा का मैं ऐसा फल पाऊंगा, तुझको देखूंगा तेरा हो जाऊंगा, मैंने बाबा ऐसा दयालु देवता आपको मिल नहीं सकता कहीं, जिसे सब पता है, वो सब जानता है हम कैसे, सारी जानकारी रखता है कि तुम यहाँ पर कैसे हो, तुम घर में कैसे, उसके बाद में ऊपर फिर क्यों बाबा मुझ पे मेहरबान हो, फिर क्यों बाबा मेहरबान हो, मेरा मुरझाया जीवन यूं खिल जाएगा, मेरा अब एक चैलेंज चल रहा है, दिखाऊं 10 साल दस साल पहले तो हमारे पास इतना भी नहीं था कि कोई हमारी फोटो भी खींचे, तो हम लाए कहां से 10 साल में ढूंढी रहा हूँ, मैं 10 साल पहले की भी फोटो दे दो यार, 10 ईयर चेंजे बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, 10 ईयर श्याम बाबा की कृपा सच में देखती नहीं हूँ, अगर किसी आदमी पर तो भजन गायकों की प्रोफाइल चेक करो 2005 साल पहले वाली, क्या थे रवि भैया 5 साल पहले ऐसे, और अभी क्या है, वो चेहरा जो है ना, वो चेहरा बयां करता है कि बाबा की कृपा कितनी है, किस तरह मेरे कर्मों से ना ही तुम अनजान हो, फिर क्यों बाबा ये मुझ पे मेहरबान हो, मेरा मुरझाया जीवन यूं खिल जाएगा, मुझको चाहत से ज्यादा यूं मिल जाएगा, मैंने सोचा था। दुख सगिरे पड़े दिन रात तेरा प्यार नहीं छोड़ा, दुख सगिरे पड़े दिन रात मगर तेरा प्यार नहीं छोड़ा, सुनोगे पक्का, आंखों में नदी बरसा, आंखों में नदी बरसा मगर तेरा प्यार नहीं छोड़ा, दुख सगेरे पड़े दिन रात मगर तेरा प्यार नहीं। कौन कौन तैयार है? जब सवेरे पड़े दिन रात मगर तेरा साथ
ये जब मैं आपके नाम की सेवा करता हूँ, ये जब मैं आपके नाम का भजन करता हूँ, मेरा तुम पर बात आगे बिगड़ी ना तो फिर बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसके बाद किस्मत ने ऐसी चाल चली हाथों से फिसल व्यापार गया। दिखाती है भाई भी बुरा मुंह करते हैं, भाभियों को नफरत आती है, बेटे भी बिगड़ते हैं बेहद, घरवाली जिगर जलाती है, अपने बेगाने हो जाते हैं जब गर्दिश रंग दिखाती है। क्या बात है। इज्जत को करने वाले भी इज्जत उछालते फिरते, इज्जत को करने वाले भी इज्जत उछालते फिरते हैं, इस सर को झुकाने वाले भी इसी सर को काटते फिरते हैं। भाई बंधु कुटुंब कबीले झूठे जक्के नाते हैं, दुनियादारी दिखलाने को बस मरघट कर जाते हैं, रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं, कहते हैं नाता दूर का है पानी तक नहीं पिलाते। ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। प्रिंस को जानते आप, जानते प्रिंस को? प्रिंस कौन? गड्ढे वाला कौन जानता है? सुना है ना? ठीक है, प्रिंस सच्चा कर गया था बोरवेल में,
उसकी माँ बोलती थी कि जब मेरा बच्चा सिर्फ प्रिंस था ना तो मेरे भाई के नहीं आते थे मुझे कुछ नहीं, लेकिन जब वो प्रिंस गड्ढे वाला हो गया तो प्रिंस की मामी की चाची की ताई की नानी की फूफी का लड़का कहता वो मेरा भाई है। ये है आज का जमाना। जब अपने काम लेकिन वो जब ऊपर आता है, नीचे से ऊपर आता है, तो उसे सब देख लेता है। इसने मेरे साथ कैसे कैसे क्या क्या किया है। फिर दुनिया उसे कितनी भी चढ़ाती रहे, उसे पता होता है कि मेरा ठिकाना यही है और यही है। क्या बात, बहुत
शुभम रूपम के लिए जिन्होंने इतना सुंदर भजन श्याम भजन में अपनी लेखनी से दिया। दोनों हाथ को एक बार आता है ऐसे ऐसे भजन जो यहाँ नहीं है फिर भी उनकी बातें हो रही है। सुबह रूपम के लिए जरा जोर का तालियां बजाएं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे दोनों भाई हैं। देखिए नाम मिलना, नाम तो यूं मिलता है श्याम बाबा के दरबार में, यूं आप आओ और वो बाबा आपको यूं उड़ा देगा। मुझे देख के पर कितना ऊंचा उड़ाया, मुझे देख के पर कितना ऊंचा उड़ाया, और मैं क्या था कन्हैया तूने मुझे क्या बनाया। यूं मिलता, लेकिन इसको मेंटेन करना, इसको संभालना, बड़े छोटे की इज्जत करना, ये बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो वो दोनों छोटे भाइयों की बात सिर्फ इसीलिए हो रही है कि उन्हें इस बात का ज्ञान है कि बड़े से कैसे बात करते हैं और छोटे से कैसे बात करते हैं, और वो जो ज्ञान है वो खून में है, परिवार से वो मिला गया, उनके परिवार से वो चीज मिली है। तो मैं उनके लिए कम ताली बजाऊंगा, आदरणीय बाबूजी के लिए ज्यादा ताली बजाऊंगा, जिन्होंने उनको पल पल पर ये बताया कि बेटा ये ऐसे और ये ऐसे, ये ज्ञान दिया जाता है। एक बार बाबूजी के लिए जोरदार तालियां बनाए, दोनों हाथ को एक बार बोलो तो सही बाबा, बोलो तो सही, आसरो थारो भरोसो थारो। अच्छा एक बात और, उनके फूफा जी भी बगल में बैठे हैं। जो कुछ भी मारो है वो सब कुछ थारो है, वो जो कुछ भी मारो है। देखो एक और बोलूंगी।
जैसे
Thank you.